जाति भारत की सच्चाई है और इस देश के दलितों को जितना जल्दी जान लें, क्योंकि भारत में जाति की तख्ती गले में डालकर जातिवाद के खिलाफ से भारत में ही बोला जा सकता है, किसी और जगह नहीं बोला जा सकता। माननीय काशीराम जी ने जब से जाति को दलितों की ताकत बनाया है, तब से कुछ तथाकथित लोग ये जाति मिटाने का कार्यक्रम करना चाहते हैं, एक बात। दूसरी बात, ये सच है कि आज भारत में राजनीति के पीछे धर्म है, कहीं ना कहीं धर्म की पॉलिटिक्स है। मेरा मानना यह है कि धर्म की लड़ाई को कोई भी धर्म से नहीं जीत सकता। भारत में धर्म की लड़ाई को खत्म करने का एक ही तरीका है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई जितनी बुलंद होगी, उसी दिन भारत के अंदर कहीं ना कहीं जो धर्म की लड़ाई है, जो धर्म की राजनीति है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। भगवान बुद्ध से पहले धर्म एक धंधा है और वो बह पे पनपता है। तमाम धर्मों ने बह का व्यापार किया। भगवान बुद्ध ने पहली बार दुनिया को बताया कि धर्म कहीं ना कहीं मुक्ति का रास्ता है। दुखों का कारण जानो, उनका निवारण करो। उनके निवारण में ही सारी चीजें कहीं ना कहीं छुपी है। एक छोटी सी बात और कह दूं, क्योंकि अंतिम जो लाइनें हैं, हर आदमी यही जाना चाहता है। देखिए, हम दलित समाज के लोग हैं और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जय भीम के नारे लगाने से अगर बहुजनों की एकता टूटती हो तो मुझे ऐसी एकता के ऊपर चर्चा नहीं करनी है। इसी सभागार के अंदर 1953 ने बाबा साहब से कहा, बाबा साहब ने इसी मन से कहा, मेरे तमाम लोगों से बात हुई कि यह देश राजनीतिक रूप से आजाद हो रहा है, यह देश सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रूप से आजाद हो रहा है। इस देश में जाति रहेगी, इस देश में धार्मिक गुलामी कहीं ना कहीं रहेगी। मैं अपने अनुयायियों से यह अपील करता हूं कि 1857 की पहली आजादी की लड़ाई, दूसरी आजादी की लड़ाई में कहीं ना कहीं देश आजाद हुआ। ऐ मेरे अनुयायियों, इस देश में कहीं ना कहीं तीसरी आजादी की लड़ाई को जिंदा रखना चाहिए। जो धर्म की आजादी होगी, जो सामाजिक आजादी होगी, जो सांस्कृतिक आजादी होगी, जो शैक्षिक आजादी होगी। एक चीज मैं जरूर सी बात जरूर कहूंगा कि देखो, कौन किस भगवान को मानता है मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं जात को नहीं मानता, जब मैं राम को नहीं मानता, तो मैं रामचरित को कैसे मान लूं? आप क्यों चर्चा करते हो भाई, क्यों चर्चा करते हैं? हमने जितना समय सामने वाले को कोसने में लगाया है, अगर हम उतना समय, उसका 1/10 समय भी अगर भगवान बुद्ध की अच्छाई, दलित मूवमेंट की अच्छाई बताने में अगर खर्च करते, तो कहीं ना कहीं ये देश आज बुद्धमय हो चुका होता। एक छोटी सी बात के साथ, अभी एक हमारे साथी ने ये बात कही, दलित क्या है? मुझे दलित होने पे फक्र है। 1832 का दलित का मतलब अनुसूचित जातियों में आने वाली जातियां, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। 1832 का दलित यह कह रहा है, अंग्रेजों से एक चिट्ठी लिख रहा है, अहमदनगर एक जगह है, कि मुझे अंग्रेजी शिक्षा चाहिए। 1832 के दलित को सही से हिंदी नहीं आती थी, उसकी भाषा देखिए ना, कहां लड़ रहा है वो। 1832 का दलित अंग्रेजों से यह कह रहा है कि मुझे अंग्रेजी शिक्षा दो, ये उसका दलित मोमेंट है। 1907, आज आप जाति मिटाने की बात करते हैं, एक चिट्ठी और बताता हूं आपको। 1907 का दलित, 1907 के दलितों ने एक चिट्ठी लिखी जनगणना आयुक्त को कि हमको, हमारी जाति को, हम हिंदू नहीं है, हमको अलग किया जाए। और आपको पता होना चाहिए कि भारत में 1931 में जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन दलितों की आबादी कब हुई थी? 1911 में। 1911 में 10 मानक थे, 10 मानकों के आधार पर तब के तात्कालिक जनगणना आयुक्त ने दलितों की आबादी को अलग कर दिया। और दलितों की ये अलग आबादी के आंकड़े थे जिसने कहीं ना कहीं दलितों को आरक्षण दिलाने का काम किया। 1921 में बाबा साहब ने कह दिया था कि ये हमारी आबादी है और हमको इतना आरक्षण चाहिए। देखिए सर, तमाम बातें होंगी और बहुत सारी खामियां होंगी, लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूं
कि दलित मूवमेंट आशावादी है, वो बहुत आशावादी है, उसके नेता निराश हो सकते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं आशावादी है। और मेरा मानना यह है कि आने वाला समय, दुनिया इस बात को जानना चाहती है कि ये दलित खाते कैसे हैं, ये दलित सोचते कैसे हैं, ये दलित करते कैसे हैं, पूरी दुनिया ये जानना चाहती है, क्योंकि अंबेडकरवाद पनपा है, बहुत मजबूती के साथ पनपा है। एक छोटी सी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि दलित मूवमेंट में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी वो होगी सांस्कृतिक पहचान, वो होगी कहीं ना कहीं सांस्कृतिक पहचान। जो आपकी पहचान है, जो आपके कपड़े हैं, जो आपका खाना है, मुझे अगर लहसुन पसंद है, अगर मुझे प्याज पसंद है तो मैं प्याज की बात करूंगा। मुझे अगर चटकीले भटकीले रंग, एक लाइनें थी द कलर्स ऑफ दलित, कल वही लोग ये कहते थे कि ये रंग क्या है, ये दलितों के रंग है, आज वही लोग ये कह रहे हैं कि नहीं ये रंग सारी दुनिया पहनेगी। मेरा मानना ये है, चलिए मैं अपनी बातें रखी, नमो बुद्धाय, जय हिंद।